गोरे को भी ये बात समझ आ गई। मैं एक अपने गोरे उस्ताद जी का बताऊँ, इनसे कि 10,000 घंटे नहीं ना लगाएगा किसी काम में तो तू ग्लोबल लेवल के ऊपर कोई चेंज नहीं ला सकता उस काम में। तो उस काबिल ही नहीं हुआ, तेरी कॉम्पिटेंसी नहीं बनी। किसी भी काम को पकड़, 10,000 घंटे पूरे कर ले उसके। जितने भी ये है ना फातह, बिजनेस की फातह, उनको पता है कि 10,000 घंटे लगेंगे तब कॉम्पिटेंस आएगी। साइंस वालों को भी पता है कि यार 10,000 घंटे लगाएंगे, 10,000 आवर थ्योरी कहते हैं इसको। साहबा में हमें ये फ़र्क है कि वो दीन को 10,000 घंटे दे बैठे थे सही टाइम पर। हम हॉलीवुड को बॉलीवुड को दे बैठे, हम बिजनेस को दे बैठे हैं। मलिक रियाज का नाम हमें ऐसे पता है जैसे कि नऊज़ बिल्लाह कोई साहबी हो, अशरम बशरा हो। एक स्कूल में मैं गया, मैंने कहा यार कोई से 20 साहबा के नाम बताएं, कोई से 20। आपको पता स्कूल में 300 बच्चा था, ये पिंडी का स्कूल है, 300 बच्चा था, 300 के 300 में से किसी एक बच्चे को 20 नाम पता था, 20 नाम नहीं पता था। जिनको क्रिकेट के स्टैट्स ऐसे पता होते हैं कि सर नहीं उसकी एवरेज इतनी नहीं, इतनी है शोएब अख्तर की और वसीम अकरम ने, असल में इतनी विकेट ली है 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, पहले ये आउट हुआ था फिर वो हुआ था फिर वो हुआ था। किसी का शौक होता है सब पता चलता है, उसका दिमाग इतना ज़बरदस्त कंप्यूटर है हमारा, ट्रेनिंग में शामिल ही नहीं हमारे। आपसे मैं पूछता हूँ कोई सी 8 सहाबियात के नाम बताएं, चलें उम्मुल मोमिनीन नहीं होनी चाहिए वो, बस 5 बता दें चलें। ये हैं हमारी बच्चियों के हालात, सिर्फ आपको नहीं लड़कियों को भी नहीं पता है नाम के क्या किया उन्होंने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कितनी बेटियां थीं, हज़रत अस्मा है, हज़रत आयशा है, और हज़रत अस्मा का क्या रोल है इस वक्त, उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया इस्लाम में, नहीं पता। ये आपकी बीवियाँ, मेरी बीवियाँ, भाई बेटियाँ, कोई मिसाल ही नहीं उनके सामने। एक आपको मैं कहूँ ना कि हज़रत आयशा की लाइफ गुजारें, साइकोलॉजी नहीं ट्रिगर हो सकती आपकी, कैसे गुजारूँ सर मैं। मुझे आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह वसल्लम की लाइफ गुजरवाएं, अबू बकर की गुजरवाएं, अली की गुजरवाएं, लड़की कैसे गुजारूंगा। बिल्कुल ये मसला हमारी लड़कियों के साथ होता है, हम समझते नहीं है वो, हम समझते हैं वो भी अली बिन अबी तालिब की मिसाल सुन के वो खून ऐसा का ठाठे मारता है, हो ही नहीं सकता ना, कुछ चक्कर ही नहीं है। सो ना हमारी अम्मी, ना हमारी बीवी, ना हमारी बेटी, ये तीनों मोबिलाइज नहीं हुई हुई, दे डू नॉट नो कि पिक्चर कैसे ड्रॉ करूँ इस्लाम में, मेरा काम क्या है। आधे से ज़्यादा कौम बगैर हीरो के चल रही है, और हीरो के बगैर नहीं चल सकते आप। सोचे नबी अलैहिस्सलाम से प्यार और मोहब्बत करती हैं और हमारी बच्चियाँ, कोई शक ही नहीं है, बट क्या कर सकती हैं उनकी उनकी लाइफ के रेप्लिकेशन, क्या किस चीज़ की फ़ोटो कापी करें, सोचें तो सही। आप कैसे आशा की फ़ोटो कापी करेंगे, कर ही नहीं सकते। सो ये दोनों तरफ हमने ना ज़ीरो 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 कर दो, बस अकाउंट खाली कर दो इनकी, इनकी इनकी जो बैंक है ना नॉलेज बैंक, नॉलेज बेस, ये ज़ीरो करो। ये तुक्का नहीं लग सकता कि 25 करोड़ लोगों को सहाबियात के नाम ना आते, ये तुक्का नहीं होता, ये साजिश है पूरी, ये हो ही नहीं सकता ना। मैं मान नहीं सकता कि क्रिकेट के सारे पता है, फुटबॉल के सारे पता है, बास्केटबॉल सारे पता है, फिल्म एक्टर सारे पता है, साहबी कोई नहीं पता। यू थिंक कोई तुक्का लगा किसी का, देर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम दैट इज गोइंग ऑन। हक को रिपल्स करना और बातिल को अट्रैक्टिव बनाना इज़ अ प्रॉपर सिस्टम, ये किसी बंदे ने नहीं लिखा हुआ, ये एक नेचुरल कोर्स के थ्रू एक बुराई दूसरी बुराई को अट्रैक्ट करती है, दूसरी बुराई तीसरी कोर्स करती है, ये होता था।